गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू मूव ऑन विद नेक्स्ट एंड लास्ट बैरल प्रोग्रामिंग मॉडल, दैट इज फंक्शनल एंड लॉजिक मॉडल। दीज टू मॉडल्स आर एक्चुअली लैंग्वेज ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल्स फॉर द पैरेलल प्रोसेसिंग। दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मॉडल्स, दैट फर्स्ट वन इज फंक्शनल मॉडल एंड सेकेंड इज लॉजिकल मॉडल। जो फंक्शनल मॉडल है उसके एग्जांपल्स यहाँ स्लाइड्स में कुछ दिए हुए हैं। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो फंक्शनल मॉडल के रूल्स को फॉलो करके प्रोग्राम्स, पैरेलल प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं, सच एज प्योर लिस्प, सिसल, SISAL एंड स्ट्रैंड 88। सेकेंड मॉडल इज लॉजिकल प्रोग्रामिंग मॉडल, जिसका एग्जाम्पल दिया हुआ है स्लाइड में, दैट इज कॉन्करेंट प्रोलॉग एंड पारलॉग। These are the name of parallel programming languages which are following the rules of given model. Both the models are used for developing programs for scientific applications or artificial intelligence application. So one by one we'll have a look of what is functional model and what is logical model. So first one is functional programming model. So functional programming model emphasizes on functionality of program. It does not produces the side effects after execution. What does it mean that it does not produce side effects after execution? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये मॉडल है ये प्रोग्राम के फंक्शनैलिटी पे कंसंट्रेट करता है। इसमें अगर हम स्टेप्स को या इसके प्रोग्राम के ऑर्डर को चेंज भी कर दें तो अल्टीमेट रिजल्ट जो रहेगा हमारा दैट विल बी एज इट वॉज अर्लियर। सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन, देयरफॉर वी आर सेइंग दैट इट विल नॉट प्रोड्यूस साइड इफेक्ट्स आफ्टर एग्जीक्यूशन। फंक्शनल प्रोग्रामिंग मॉडल में देर इज नो कंसेप्ट ऑफ स्टोरेज, देयर इज नो असाइनमेंट, फर्दर असाइनमेंट सिंगल असाइनमेंट होता है, फर्दर असाइनमेंट्स नहीं होते हैं और ब्रांचिंग का कोई कंसेप्ट यूज नहीं होता है। ब्रांचिंग मतलब जब हम जंप करते हैं फ्रॉम वन इंस्ट्रक्शन टू अनदर, आइदर थ्रू कंडीशनल स्टेटमेंट और विद नॉन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सो एंड नेक्स्ट थिंग रिटन हियर इज दैट इवैल्यूएशन ऑफ फंक्शन प्रोड्यूसेस सेम वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट। द सेम थिंग विच आई टोल्ड यू इन फर्स्ट लाइन कि इसमें साइड इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होते, कि हम कोई भी ऑर्डर में हम उसके आर्ग्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट करें the answer will be same. All single assignment and data flow languages are functional in nature and emphasizes on fine grain MIMD parallels. Fine grain is refers to the granularity of the program or granularity of the module which we are going to decompose, and MIMD parallels means that is multiple instruction multiple data स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन का पैरेललिज्म ही प्रोवाइड करता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग मॉडल। एंड नेक्स्ट इज लॉजिकल प्रोग्रामिंग मॉडल। सो लॉजिकल प्रोग्रामिंग मॉडल इज एक्चुअली एम्फसाइज ऑन द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम विच इज सूटेबल इन डीलिंग विद द नॉलेज ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज डेटाबेसेस। इट फोकसेस ऑन इम्प्लिसिट सर्च स्ट्रेटजी that supports parallelism in logical inference processes. So पहला वाला जो मॉडल था फंक्शनल प्रोग्रामिंग मॉडल, उसका मेन फोकस रहता था फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोग्राम की तरफ, एंड सेकेंड वन में जो रहता है मॉडल, इसका मेन फोकस रहता है टूवर्ड्स द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। फर्स्ट वन जो था फंक्शनल प्रोग्रामिंग मॉडल, इसमें कोई स्टोरेज का कंसेप्ट नहीं था, असाइनमेंट नहीं था, ब्रांचिंग नहीं होती थी और आप किसी भी ऑर्डर में इसको एग्जीक्यूट करें रिजल्ट विल बी द सेम। But here in logical programming model things are not like that. यहाँ पे implicit search strategy का use करके parallelism and logical inference processes का use करके inferencing का use करके यहाँ पे program code develop करते हैं, और यहाँ पे जो clauses use होते हैं logic program में उनको transform किया जाता है in data flow graphs. Whereas in here in functional प्रोग्रामिंग मॉडल सिंगल असाइनमेंट जो होते हैं उन्हीं को हम डेटा फ्लो ग्राफ्स में कन्वर्ट करते हैं। नाउ
Next topic is language feature of parallelism. What are the feature which that a language should support or should possess if it is a parallel language or if it is used for developing the parallel program? So there are six categories which a parallel programming language or you can say there are six features which a parallel programming language should possess. And those are here enlisted in this slide. First one is optimization feature, second one is availability feature, third is synchronization or communication feature, fourth one is control of parallelism, fifth one is data parallelism features, and last one is process management features. These are all the features which a parallel programming language supports to incorporate parallelism in a developed code. So what are these features and what these features inculcate in our program are going to be discussed one by one. So first one is optimization feature. What is this feature and what it is used for? So optimization feature is used for the program restructuring and compilation directive. जब भी program को हम restructure करते हैं for optimization, obviously program को जब भी हम restructure करते हैं तो हम उसको optimize करना चाहते हैं. So whenever program is restructure और compilation directive, ये हम optimization feature है हमारे parallel programming language में, इसलिए हम कर पा रहे हैं. Second one is sequential code program is into parallel code. That means optimization feature, ये मतलब parallel programming languages जो है ये एक feature support करते हैं कि if we are getting sequential code, we can easily convert it into parallel code without much intervention of user. So But in some steps or in some modules, user intervention is also required. So both type of parallelization is supported by this feature: automated parallelization where no user intervention is required, and semi-automated parallelization where intervention of user up to an extent is required. So these are the features. These are the work which is supported by a parallel programming language under optimization feature. Next one is availability feature. What is availability feature? So availability feature of a parallel programming language enhances user friendliness of the code. It actually makes the code more user friendly so that it is easily understandable. It makes the language portable to large class of parallel computers. So portability availability features के अंदर एक portability का एक feature होता है. That means parallel language should be like that कि वो मतलब it should develop a code that can be ported to large class of parallel computer, कि एक ही limit ना रह जाए उसकी किसी class of computers में execute करने की. If we want to execute in a shared memory multiprocessor, we can easily execute. If we want to execute in a some distributed multi computer, we can easily execute. So पोर्टेबिलिटी का फीचर देता है ये अवेलेबिलिटी फीचर. स्केलेबिलिटी, ऑब्वियसली अगर हमें अपने फंक्शनल यूनिट्स बढ़ाने हैं, अगर हमें अपना हार्डवेयर कंपोनेंट्स बढ़ाने हैं, तो दैट फीचर कैन इजीली बी इनकल्केटेड विद दी पैरेलल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच वी आर यूजिंग. कंपैटिबिलिटी, अगेन कंपैटिबिलिटी मतलब मशीन और कोड के बीच में कंपैटिबिलिटी, वेदर मशीन चेंज भी हो जाए या एडवांस वर्जन भी आ जाए तो हमारा जो कोड है जिस पैरेलल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने डेवलप किया है, दैट शुड बी कंपैटिबल इनफ ताकि वो एग्जीक्यूट हो जाए. तो ये सारे रोल्स हैं जो अवेलेबिलिटी फीचर प्रोवाइड करता है एक पैरेलल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक कोड को डेवलप करने में. Then comes synchronization and communication feature. So synchronization and communication feature, by the name it is obvious that it would be used wherever communication is being done between processors. And obviously what communication is being done? Communication regarding data, communication regarding control signals,
would have been done between between processors in a multiprocessor or multi-computer network. So here, shared variable for inter-processor communication is used. Whenever we are using shared memory multiprocessor, तो यहाँ पे inter-process communication के लिए हमें shared variable provide करेगा, easily provide करेगा. Single assignment language, send and receive message for message passing. Whenever we are using different processor, send and receive message का feature भी provide करेगा ये feature हमारा parallel programming language का. Logical shared memory, remote procedure calls and data flow languages are some roles which are being provided by this synchronization feature. Now next one is control of parallelism. So control of parallelism is actually used to determine what level of parallelism is being done. So it supports coarse, medium and fine grain. ये हमने unit second में भी पढ़ा था, सॉरी यूनिट फर्स्ट में भी पढ़ा था ग्रैनुलैरिटी. सो ग्रैनुलैरिटी इज नथिंग बट द साइज ऑफ द मॉड्यूल्स विच आर बीइंग एग्जीक्यूटेड कॉन्करेंटली. सो कोर्स सबसे बड़ा है, मीडियम उससे छोटा और फाइन इज द स्मॉलेस्ट वन मॉड्यूल जो हम पैरेलली एग्जीक्यूट करते हैं. तो किस लेवल की पैरेललिज्म अचीव कर रहे हैं ये कंट्रोल ऑफ पैरेललिज्म फीचर बताएगा. एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ पैरेललिज्म है या इम्प्लिसिट टाइप ऑफ पैरेललिज्म इनकॉर्पोरेट करना है. शेयर्ड टास्क क्यू का यूज करना है. डिवाइड एंड कॉन्कर पैराडिग्म को भी प्रोवाइड करता है. एंड शेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा ये फीचर्स जो प्रोवाइड कर रहा है एक पैरेलल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नेक्स्ट इज डेटा पैरेललिज्म फीचर. सो डेटा पैरेललिज्म फीचर स्पेसिफाइज हाउ डेटा इज एक्सेस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. सिंस नंबर ऑफ प्रोसेसर्स आर बीइंग यूज्ड तो डेटा डिपेंडेंसी वुड बी देयर, क्योंकि एग्जीक्यूशन वी आर एग्जीक्यूटिंग अ लार्ज प्रोग्राम, वी हैव डिकम्पोज्ड इनटू मेनी स्मॉलर पार्ट्स एंड एग्जीक्यूटिंग इट इनटू डिफरेंट फंक्शनल यूनिट, राइट. सो देयर मस्ट बी सम डिपेंडेंसी बिटवीन दीज प्रोसेसर. सो how that data would be accessed and from where that data should be accessed and how it would be distributed will be determined by, will be specified by this data parallelism feature of a parallel programming language, right. Second one is runtime automatic decomposition. During runtime of program automatic decomposition ho jata hai code ka ki whether it should be executed in this portion or in another functional unit. तो ये रन टाइम पे ही डिसीजन होता है बाय यूज ऑफ दिस डेटा पैरेलल फीचर. मैपिंग स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड भी यही फीचर करता है कि विच डेटा शुड बी मैप टू विच प्रोसेसर. वर्चुअल प्रोसेसर सपोर्ट एंड डायरेक्ट एक्सेस टू शेयर्ड डेटा. जब भी हम शेयर्ड मेमोरी का यूज कर रहे हैं तो उस पर डायरेक्ट एक्सेस का फीचर भी ये प्रोवाइड करता है डेटा पैरेललिज्म फीचर. लास्ट वन इज प्रोसेस मैनेजमेंट फीचर. तो this feature supports actually the efficient creation of parallel processor. Sometimes these processors are distributed or decomposed at runtime. So at the runtime efficient creation of those processes are being done by this feature. It implements multi-threading and multitasking for execution of those processors, parallel processors. It dynamically create the process at runtime and it helps in automatic load balancing. Means there are a number of multiprocessor, there are a number of processor incorporated in a multi-computer multiprocessor network. So load balancing is very necessary. ऐसा ना हो कि एक processor पे पूरा load है, maximum portion is being executed at that end और दूसरे processor comparatively free है. So automatic load balancing is also necessary and that will be achieved by this process management feature. And process management feature also take cares that processes what is being created should be lightweight. ऐसा ना हो कि प्रोसेस उसको एग्जीक्यूट करने में ही पूरा टाइम खत्म कर दे. इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली. ओके, सो दिस वॉज अबाउट लैंग्वेज फीचर फीचर्स ऑफ पैरेललिज्म. सो दीज आर सिक्स फीचर्स विच वी हैव टू मेमोराइज थॉरली एंड आफ्टर दिस वी विल कंटिन्यू विथ पैरेलल प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट. दिस इज सफिशियंट फॉर टूडेज लेक्चर. थैंक यू.
Thank you so much. If you have any query, you can text me. Thank you so much.